हाई चांसेस है कि आपको पहली बार में ना समझ में आए ठीक है मैं पहले ही डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ तो आप मे भी आपको वीडियो को दो से तीन बार देखना पड़े टू अंडरस्टैंड इट्स इन द फुल डेप्थ आपको मल्टीपल ड्राई रन भी करना पड़े शायद ये भी हो सकता है राइट right? बट इस क्वेश्चन को इस वीडियो को देखने से पहले आप ये क्वेश्चन पहले खुद से बहुत अच्छे से पढ़ लेना आप जितना कुछ समझ सकते हो इस क्वेश्चन को पढ़ के खुद से समझ लेना राइट देन ट्राई वॉचिंग द वीडियो ठीक है क्वेश्चन एक बार मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है

पहले तो आप ट्रू जोर फॉल्स को पहले इवेलूएट कर लो और फिर इनका जो आउटकम आता है उसको एफ से करो या फिर और सिंबल पहले कर लो और बाद में जोर को इवेलुएट करो राइट right? तो अगर ऐसा करोगे तो ये दो वेज बनेंगे और आपके पास दोनों में ही ट्रू आते हैं तो मतलब कह सकते हो कि आपके पास टू टोटल वेज है सिमिलरली यहाँ पे फोर टोटल वेज है राइट right? मतलब हमें पैरेंथेसिस करना है जिसमें पैरेंथेसिस डाला पहले उसको सॉल्व करो फिर बाकी के रिस्पेक्टिव को पहले सॉल्व करो राइट right? ठीक है तो इस क्वेश्चन पे आप वापस आते हैं इस क्वेश्चन को कर कैसे सकते हैं यार अब इन्होंने बोला है कि सारे पॉसिबल वेज तो डेफिनेटली जब डेफिनेटलीवर दे आर आस्किंग टू फॉर्म द ऑल पॉसिबल आउटकम्स और वहाँ से कुछ हमें इन्फर करना है डेफिनेटली रिकर्जन प्ले करेगा यार तो हम छोटे टेस्ट के लिए सोच के देखते हैं कि हमारा जो पॉइंटर्स है वो कैसे कैसे बिहेव करेगा तो हमारे पास कोई टेस्ट टेस्केस था लेट्स ए ट्रू जोर एफ जोर एफ राइट तो मैं मैनुअली मैं मैनुअली बोलता हूँ कि मैं इसको पैरेंथिस करता हूँ सबसे पहले राइट right? ऐसे करता हूं मैं अब करने के लिए मैं क्या कर सकता था कोई और भी तरीका हो सकता था कि पहले जोर को सॉल्व करू राइट मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि मैं पहले जोर को सॉल्व करता उसके बाद मैं ये बट right? मैं मैनुअली देख रहा हूं मैं कहता हूं कि चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हैं कि हम कोड को कैसे लिख लिख पाते हैं। सिर्फ एक के लिए। अगर एक केस केस के के लिए लिए अगर लिया तो फिर देखेंगे कि सारे केसेस के लिए कैसे लिख सकते हैं ठीक है तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो टोटल स्ट्रिंग है राइट right? हमारे जो टोटल स्ट्रिंग है उसमें कुछ आई पॉइंटर होगा कोई जे पॉइंटर होगा आई और जी का मतलब स्टार्ट एन एंड पॉइंटर होगा और किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटर पर

आउटकम्स uh, क्या क्या हो सकते हैं या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता तो है यही तो आउटकम्स हो सकते हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं या तो ये एक्सप्रेशन जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा so, जो राइट हैंड साइड वाला है या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा राइट मैं से लिखता हूँ फॉल्स और ट्रू ठीक है अब देखो अब अब थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचो आपके पास एक बंच ऑफ एक्सप्रेशन है ठीक है जिनकी वैल्यू ट्रू है आपके पास एक बंच ऑफ अनदर एक्सप्रेशन है जिनकी वैल्यू फॉल्स है राइट right? अब मैं बोलू की टोटल कॉम्बिनेशन करके दिखाओ कि ट्रू किस केस में आएगा राइट तो क्या मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले तो इसको नंबरिंग कर देते हैं सबसे पहले कि नंबर ऑफ एक्सप्रेशन नंबर ऑफ एक्सप्रेशन राइट विच रिप्रेजेंट एस ट्रू इज लेट से लेफ्ट ट्रू मैं इससे लिख देता हूं लेफ्ट ट्रू लेफ्ट ट्रू क्यों लिखा यार क्योंकि जहां पर हमने पार्टीशन किया था एक लेफ्ट पॉइंट बनेगा और एक राइट एक्सप्रेशन पॉइंट एक बनेगा राइट तो मैं इसको लेफ्ट ट्रू बोल रहा हूं

तो अब मैं क्या अब मैं कहूं कि अगर आप जोर ऑपरेटर यूज करना चाहते हो और मैं कहता हूँ कि आप नंबर ऑफ टोटल एक्सप्रेशन ये सब क्या है ये सब सब एक्सप्रेशन है राइट right? एक लेफ्ट पार्ट बना रहा है एक राइट पार्ट बना रहा है इन दोनों से जो आंसर आएगा दो सब एक्सप्रेशन को मिला करके जो आंसर आएगा लेट्स से ट्रू और फॉल्स इनका जो नंबर ऑफ ट्रू है ये हमें फॉर्म करना है ये हमें आंसर में लाना है करेक्ट ठीक है अगेन क्वेश्चन गोज बैक टू यू नंबर ऑफ एक्सप्रेशन नंबर ऑफ एक्सप्रेशन विच इज फॉर्मिंग एज ट्रू तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा और उससे भी पहले यार ये तो हमारी नीड वन हो गई ये तो नीड वन हो गई नीड टू क्या मैं लिख सकता हूँ इस तरह की वट वी एक्चुअली सो कैन आई राइट द स्टेटमेंट एज की हमने जब यहाँ पे इन्फर किया कि ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता था तो कोई भी एक्सप्रेशन तो मतलब ऑपरेटर हमारे पास तीन ऑपरेटर है तो जरूरी है करना यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी अब हम चीज लिखेंगे कि,

राइट right? मतलब कौन से केसेस मतलब हमें फॉल्स फॉल्स इनको लेना था और इनको ले सकते थे राइट right? तो मैं मैं क्या लिख सकता हूं क्रॉस आर टी प्लस मैंने ये वाला केस ले लिया अब ये वाला केस लेते एल एफ एल एफ स्टार आर एफ ये मैं कह सकता हूं सिमिलरली मैं चाहता हूं आप दोनों के लिए लिखो है. ये तो हमने जोर के लिख दिया आप एक बार और के लिए लिखो और एक बार आप एंड के लिए भी लिखो यहाँ पे ओके आप फिल करो एंड मैं भी फिल करता हूँ देन कैन रिज्यूम ठीक है तो मैंने मैंने सारे केसेस लिख दिए एक बार तुरंत से टैली कर लेते हैं तो और के लिए क्या होता है या तो आपके पास ट्रू फॉल्स हो जाए या फिर ट्रू या फिर फॉल्स ट्रू हो जाए या फिर ट्रू ट्रू हो जाए तो वही मैंने लिखा है ट्रू फॉल्स के लिए आप क्या लिख सकते हो ये केस और ये केस कंसिडर करेंगे तो एल्टी इंटू बार है ये लिखा है मैंने फिर फॉल्स ट्रू के लिए आप लिख सकते हो फॉल्स ट्रू के लिए आप लिख सकते हो ये वाला केस

फंक्शन right? तो होगा उसमें हमारे पास दो तीन दो केसेस होंगे, होंगे सबसे पहले तो आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो फिर आप जो एन माइनस वन तक जाओगे और एक आपका इू होगा ठीक है एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने जो पार्टीशन किया अभी ये सिर्फ एक पॉइंट के लिए किया था यार क्वेश्चन ने बोला है कि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाल के दो मेरे को तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे को एक फॉर लुक चलाना होगा फॉर दिस दिस के विल मूव फ्रॉम आई टू जे ये तो मैंने सब एक ऑपरेटर लिया था यार सिमिलरली बीच में एक और ऑपरेटर यहाँ पे आएगा जो लेस से के वन हो जाएगा और ऑपरेटर आ जाए के टू हो जाता तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास एक फॉर लुक होगी जो चलेगी आई से लेके लेस देन जे तक और के की जो वैल्यू है के एक वस्तु के प्लस टू होगा के प्लस टू क्यू होगा यार देखो हम कहाँ पे पार्टीशन कर रहे हैं या फिर हम पैरथिसिस कहाँ पे कर रहे हैं जहाँ पे हमें ऑपरेटर्स मिल रहे हैं राइट तो अगर ये जो ऑपरेटर है ठीक तो है आई होप तो आपको बातें समझ में आ गई होगी इंटर हम यहाँ क्या करना चाह रहे नीड मैंने बहुत ट्राई किया बट अगेन इस वीडियो को एक बार फिर से शायद देखना पड़े समझने के लिए सब कुछ ठीक है तो अब हम चलेंगे कोड की तरफ और मैं बताऊंगा कैसे कैसे हो रहा है ठीक है इन द काउंट वेज फंक्शन वी हैव अ सॉल्व जहां पे मैंने हमने डिस्कस किया था एक टोटल स्ट्रिंग पास करेंगे जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं आई और जे ये आई और जे में ही हम पार्टीशन करने वाले हैं राइट जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे और अभी के लिए इस स्ट्रू को हम लोग क्योंकि हमें क्या चाहिए टोटल काउंट ऑफ वेज जहां पे टोटल एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो ट्रू हो राइट ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं दीज आर ऑल दिस सब एक्सप्रेशन और यहाँ पे आप डीपी में कह सकते हो सब प्रॉब्लम्स राइट और ये हमें दोनों के लिए ही फॉर्म करना होगा ट्रू एंड फॉल्स ये बात आप समझ समझना राइट ठीक है एंड दैट इज वाई क्योंकि हमने दोनों के लिए फॉर्म करना है टू गेट आवर फाइनल आंसर दैट इज वाई हम जब कॉल करेंगे और जब इंक्रीमेंट करेंगे तो दोनों के लिए कर रहे हैं ट्रू के ट्रू के केसेस में कर रहे हैं फॉल्स केसेस में बट ठीक है एक बार शुरू से देखते हैं दो बेस केसेज यहां पे आई लेस देन इक्वे ये क्या मतलब हो जाएगा यार मैं क्या कह रहा था कि आई और जे जो है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है फॉर अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आई जो है वो जे से बड़ा हो जाए राइट मतलब कि ये आई यहां से उठ के यहां पे आ गया है करेक्ट तो डेफिनेटली हम सारे स्ट्रिंग को ट्रावर्स कर चुके हैं पार्स कर चुके हैं तो इन दैट केस देर आर नो कैरेक्टर्स लेफ्ट लेफ्टी स्ट्रिंग है रिटर्न जीरो कर दो वहां से कोई आंसर नहीं आएगा अब i इक्वल टू जे हो जाए मतलब मैंने i को उठा के यहां पे रख दिया तो इसका मतलब है यार कि आप एक कैरेक्टर पे आ चुके दो इफ बोथ द पॉइंटर्स एट द सेम पोजिशन मतलब कोई एक कैरेक्टर आपके पास बस राइट अगर कोई एक कैरेक्टर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है तो हो सकती या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स होगा वो एक कैरेक्टर राइट तो मैं क्या करूंगा अगर ट्रू है

आंसर वेरिएबल है जो जीरो को पॉइंट करता है ये फॉर लूप हमने एक्सप्लेन देखा यार हम क्यों कर रहे हैं के प्लस टू आई से, से लेके जे तक जाएंगे सही बात है देन अब जो है हम क्या करेंगे कि हमने फॉल्स और ट्रू केसेस दोनों के लिए ही सब एक्सप्रेशन को बनाने थे राइट right? इस वाले केस में आप देख सकते हो तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो पार्ट है ये जो पार्ट है इसके लिए हम कहां से कहां तक रिकर्सिव कॉल चला रहे हैं आई से के पे पार्टीशन किया था राइट सो आई से के माइनस वन और पूरी वैल्यू ट्रू थी तो मैं क्या पास करूंगा वन सिमिलरली इसके लिए मैं क्या पास करूंगा आई से अगेन के माइनस वन पूरी वैल्यू फॉल्स थी तो मैं पास करूंगा एज अ पैरामीटर जीरो सिमिलरली इस फॉल्स के लिए मैं क्या करूंगा ये सेकेंड एक्सप्रेशन का पार्ट है मतलब के से जे तक जा रहा है तो मैं इसके लिए क्या पास करूंगा के प्लस वन से सप्शन जे तक जाओ एंड योर वैल्यू इज फॉल्स तो आप जीरो मार्क करो सिमिलरली इस ट्रू के लिए आप क्या करोगे के प्लस वन से जे तक जाओ योर वैल्यू इज ट्री तो मैं वन मार्क करूंगा और यही चारों रिकर्सिव कॉल मैंने यहाँ पे फॉर्म किए हैं

यही चीज यहाँ पर लिखी हुई और फॉल्स के केस में ये सारी चीजें सिमिलरली हमने और के लिए हैंडल किया यही यहाँ पे जो हमने लिखा है और सिमिलरली जोर के लिए भी जो हमने हैंडल कर दिया अब क्वेश्चन ने बोला था कि आंसर कुड बी वेरी लार्ज एंड टू मॉडल ऑफ वन थाउजेंड थ्री तो हमने उसको मॉडल कर दिया एंड दैट इज इट यार दिस शुड बी योर ऑल रिकर्सिव कोड सोच रहे होगे कि यार इसका ड्राइविन क्यों नहीं दिखाया लाइक एक बार दिखाओ मुझे कि न, आ, कौन सी ब्रांचेस कहाँ से छोटी और मैं खुद यकीन करता हूँ कि छोटे टेस्किल्स के लिए हमेशा ड्राइविन करना चाहिए राइट तो आप देखोगे तो मैंने आपको ड्राइविंग दिखाया है इस छोटे टेस्ट केस के लिए हमने एक पार्टीशन पॉइंट को एक्सप्लोर किया जब हमें पता चल गया अच्छा कि एक के लिए ये सब काम करेगा तो फिर हमने एक फॉर लूप को ट्रिगर किया जो सारे पार्टीशन पॉइंट पे जाएगा और के, के प्लस टू का होगा क्योंकि एक ऑपरेटर के बाद एक ऑपरेंट आएगा फिर ऑपरेटर आएगा राइट ठीक है यार सो so, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता था मैं ट्रूली बता रहा हूँ अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो देर देर बी टू केसेस यार कि डीपी की जो फंडामेंटल्स और जो बेसिक्स है वो थोड़ी सी हिली हुई है डीपी डीपीआर रिकर्जन राइट right. और ये क्वेश्चन एक्चुअली में भी हार्ड था तो तो सोचने में तो खुद भाई दिमाग लगा होगा राइट सो सबमिट करते हैं, हैं एक्सपोनेंशियल कि right? तो कर है हाँ, में कितनी होगी हम हर एक पॉइंट पे पार्टीशन कर रहे हैं और चार रिकर्सिव कॉल लगा रहे हैं राइट right? तो फोर पावर एन डाइनोमसिटी हो जाएगी करेक्ट दट इज वाई वी गॉड अ टी एली फोर पॉर टू हंड्रेड डेफिनेटली टेन पॉइट से एक्सीड कर जाएगा एंड वी हैव अर टी एल पे टेन केसेस पास हुए अब इसको मेमोराइज कैसे करे मेमोराइज कैसे करें तो अब इस सोल्यूशन को मेमोरेसन कैसे कर सकते हैं तो अगर आपको अगर मैं आपको रिक्वेस्ट सोल्यूशन दे दिया और मेमोरेन खुद से नहीं कर पा रहा हूँ ठीक है तो अगेन आपकी बेसिक्स थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसमें ये जो पहला वीडियो है व्हाट इज डिजी मेमोरेन एंड टेबुलशन या पढ़ लो अच्छे से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी अगर आपको रिक्वेस्ट सोल्यूशन दे दिया जाए किसी ने दे दिया आपको आपको नहीं पता हो कैसे काम कर रहा है बट आपको किसी ने दे दिया बस इतना बोला मेमोइज करके दे दो राइट तो आप उसको पढ़ के खुद से मेमोरेशन करके उस बंदे को वापस कर सकते हो राइट उस चीज को समझने के लिए आप इस वीडियो को थर्टी मिनट्स का वीडियो है आप बहुत अच्छे से देख लेना नफीबू नाची के एग्जाम्पल को लेकर के बहुत अच्छे से समझाया समझाएगा यहाँ पे ठीक है तो अगेन कमिंग बैक की मेमोरेशन करते कैसे मैं एक छोटे शब्दों में आपको समझा देता हूँ

अब अब आपने जब डिसाइड कर लिया कि कितने आपके पास वो हैं पैरामीटर्स जो चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास तीन पैरामीटर्स चेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे पास थ्री डी मैट्रिक्स थ्री डी मैट्रिक्स हमें चाहिए अपने रिक्वेश्चन सोल्यूशन को मेमोराइज करने पर राइट और आई और जे कैसे चेंज कर रहा है आप देख सकते हैं आई है के माइनस वन फिर आई के माइनस वन के प्लस वन से जे के प्लस वन से जे राइट दैट इज वाई आई वाज सेइंग कि थ्री पैरामीटर्स है ठीक है जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया की थ्री पॉइंट थ्री मैट्रिक्स बना लिया तो दूसरा पॉइंट होता है कि इनको एक ऐसे वैल्यू से फिल करो जो कभी भी पॉइंट आंसर नहीं हो सकते तो आप यूजअली माइनस वन से फिल कर सकते तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में कभी भी किसी पॉइंट पे माइनस वन आंसर नहीं हो सकता है राइट ठीक है आप चलते हैं डीपी पे तो यहाँ पे मैंने डीपी पी थ्री थ्री डी डी आर ए बनाया सबको माइनस वन से फिल किया और मैंने रिटर्न सॉल्व कर दिया तीसरा पॉइंट ये होता है मेमोन में कि जहां जहां आप रिकस्टित कॉल लगा रहे हो पहले चेक करो कि उस जिस स्टेट के लिए आप रिकस्टित कॉल लगा रहे हो उसके लिए आंसर पहले से स्टोर्ड है या नहीं राइट तो पहले मैं वही चेक करूंगा इफ डी पी एफ आई जे नॉट इक्व माइनस वन मतलब कि हमने आंसर स्टोर कर रखा है कुछ तो है उसमें वैल्यू तो वहीं से रिटर्न कर दो रिकर्सिव कॉल मत लगाओ अगर अगर नहीं है आपको लगाना पड़ेगा, तो पहली बार तो करना ही पड़ेगा रिकर्सिव कॉल जब रिकर्सिव कॉल कंप्लीट हो जाए तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को हमारा वैल्यू हमारा आंसर क्या था टेम्पल आंसर उसको अपने डीपी में स्टोर कर दो दीज आर द ओनली थ्री पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन टू मूव फ्रॉम रिकॉर्ज टू मेमोरेशन यही हमने यहाँ पे किया भी है इसको सबमिट करते हैं